नमस्कार विद्यार्थियों, अभी मध्य प्रदेश सिविल जज की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मध्य प्रदेश सिविल जज के लिए अभी वर्तमान में जो भर्ती नियम में बदलाव आए हैं उन बदलावों के साथ कंफर्टेबल हैं और एग्जाम देने के लिए एलिजिबल भी हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपरली प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि समय समय पर अपने प्रिपरेशन का हम वैल्यूएशन करते चलें, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर लीगल स्टडी के द्वारा बहुत ही शानदार टेस्ट प्लान लॉन्च किया जा रहा है। ये टेस्ट प्लान जो हमारा लॉन्च हो रहा है ये 27/9/2023 से लॉन्च हो रहा है, यानी कि 27 सितंबर 2023 से आपको हर वीक में 2 दिन यानी कि बुधवार और शनिवार बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने इस टेस्ट प्लान को तैयार किया है। जैसे कि आप देखेंगे कि आईपीसी बड़ा एक्ट है, उसको 100 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा एक्ट है 100 क्वेश्चन, सीआरपीसी, सीपीसी, एमपीएलआरसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सभी बड़े कह सकते हैं एक्ट हैं, इनके 100 क्वेश्चन और थोड़ा सा एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के साथ एनआईए मिला के 50-50 कर दिया है और एसआरए लिमिटेशन को मिला के 60-40 के रेशियो में बना दिया है। तो सबसे पहले हम आपको टेस्ट ग्रुप नंबर 1 प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पर थोड़ा इंडिविजुअल जैसे होता है ना, बच्चा सोचता है मैं आईपीसी पढ़ लें, आईपीसी का टेस्ट दे लें, सीआरपीसी पढ़ लें, सीआरपीसी टेस्ट दे लें। 2 दिन आप आईपीसी पढ़िए, टेस्ट दीजिए, 2 दिन आप सीआरपीसी पढ़िए, टेस्ट दीजिए, 2 दिन आप कॉन्स्टी पढ़िए, टेस्ट दीजिए। तो सबसे पहले आप एक बार सभी सब्जेक्ट को ऐसे निपटा दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं, तो इसके बाद आप देखेंगे तो फिर हमने यहाँ पर टेस्ट ग्रुप नंबर 2 बनाया है। यहाँ पर हमने जो आपके जो 12 सब्जेक्ट हैं वर्तमान में सिविल जज के सिलेबस में, उनको हमने 2-2 सब्जेक्ट के बंच में कर दिया है और बंच बनाते समय इस बात का हमने ध्यान रखा है कि इक्वलेंट यानी कि दोनों जो सब्जेक्ट है मिला करके इक्वलेंट आपके ऊपर प्रेशर बनाए। जैसे आईपीसी के साथ एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है लेंदी है तो उसके साथ छोटा सा लिमिटेशन एक्ट रखा है, सीआरपीसी काफी लेंदी है बड़ा है उसके साथ एनआईए रखा है, सीपीसी भी जो है थोड़ा सा लेंदी है उसके साथ एसआरए रखा है, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट की ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेक्शन कम है, तो उसके साथ हमने एमपीएलआरसी रखा है और कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमने टीपीए रखा है। यानी बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने ये ग्रुपिंग की है ताकि आप अच्छी तरीके से, तो पहले आप इंडिविजुअल पढ़ के तैयार कर लो, फिर उसके बाद आप ग्रुपिंग करके तैयार करो। और एक ग्रुप हमने और बनाया है, यहाँ पे हमने 3-3 सब्जेक्ट ग्रुप बना दिया है, यानी कि हमने और ज्यादा यानी कि हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको लगातार प्रेशर बनाते चले जाएं। आप देखेंगे कि ये जो टेस्ट प्लान है ये हमारा जो 27 चालू हो रहा है, फिर 30 को है, फिर 4 को है, 7 को, यानी कि बुधवार शनिवार बुधवार शनिवार बुधवार शनिवार, क्योंकि अभी एमपी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं आई है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है 15-20 दिन में कभी वैकेंसी आ जाए, इस बीच मान लीजिए वैकेंसी आ जाती है तो हम ये टेस्ट पेपर जो बुधवार शनिवार को प्रोवाइड कर रहे हैं इसको हम आपको वीक में 3 दिन प्रोवाइड करेंगे, और भी जल्दी आ जाती है तो हो सकता है कि वीक में हम 4-5 पेपर भी प्रोवाइड करेंगे। और जब आप प्रॉपर तरीके से इनको दे करके यानी जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक आप अपना एनालिसिस इन टेस्ट के माध्यम से धीरे धीरे करते रह सकते हो, और उसके बाद जब ये प्रॉपर ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे तो हम FLT यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। FLT की हमने यहाँ पर डेट नहीं डाली है, FLT की हमने डेट इसलिए नहीं डाली है क्योंकि FLT हम 2 तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका बेस अच्छा है और वो चाहते हैं कि भाई पार्टली तो हमारा तैयार है, हम FLT के माध्यम से अपने आप को चेक करना चाहते हैं, वो भी मायूस ना होए, आपको हम FLT प्रोवाइड करना चालू कर देंगे 4/10/2023 से, यानी कि 4 अक्टूबर 2023 से आपको हम FLT प्रोवाइड करना चालू कर देंगे प्रॉपर तरीके से। यानी कि ये भी ध्यान रखिएगा कि FLT भी हम आपको WS प्लान में प्रोवाइड करेंगे। WS प्लान में मतलब कि जैसे 4 तारीख को आपको एक FLT मिलेगी तो अगला FLT आपको 7/10/23 को मिलेगा, यानी कि बुधवार शनिवार के प्लान में आपको पेपर मिलते चले जाएंगे। अभी हमने 20 FLT हमारे पास तैयार है और यदि आप लोग की डिमांड अच्छी रहेगी, आप लोग अच्छी तरीके से प्रॉपरली टेस्ट पेपर देते रहेंगे रेगुलरली वे में, तो हम प्रयास करेंगे कि हम आपको कम से कम 30 FLT
ठीक है प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। अभी चूंकि एमपी जुडिशरी की वैकेंसी नहीं है और जब तक एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आएगी हम अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और प्रॉपर तरीके से आपको हम फुल लेंथ पेपर प्रोवाइड करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर हम फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सभी टेस्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम से उपलब्ध होंगे। इसके बाद जो है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यदि आप हमारे 20 पार्टली और 20 एफएलटी टेस्ट का ही प्लान लेते हैं उसकी 3000 ऑफलाइन फीस है और 2000 ऑनलाइन फीस है, लेकिन केवल एफएलटी यानी कि 20 एफएलटी के ही टेस्ट प्लान यदि आप हमारे लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में वहां पर 1800 रुपए कह सकते हैं कि ऑफलाइन चार्ज रहेगा और ऑनलाइन चार्ज जो है तो उसका 1200 रुपए रहेगा यदि आप केवल 20 एफएलटी केवल आप लेते हैं, ठीक है ना। तो ऑफलाइन 1800 और ऑनलाइन 1200 ये चार्ज इसके रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेस्ट प्लान आपको अच्छा लगा होगा और आप इस टेस्ट प्लान को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।